जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूं, जो कि सभी टीचिंग एप्रिशिएट स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सीटेट एग्जाम की। सीटेट एग्जाम कब होगा, सीटेट एग्जाम को पास करने के बाद आपको कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगी, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, इसकी वैलिडिटी क्या है और सिलेबस क्या रहता है, ये सारी जानकारी मैं आपको बीच में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे सीटेट क्या है। तो सीटेट है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल से इसके आवेदन भी शुरू हो गए हैं और इसके आवेदन करने की जो लास्ट तिथि है वो 26 मई 2023 तक है। और इसमें जो एग्जाम सिटी आपको ऐसे हैं कि पहले आओ पहले पाओ, तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, बल्कि 27 अप्रैल से जल्द आवेदन शुरू कर लीजिए और अपने मनपसंद सिटी में अपना एग्जाम सेंटर को पाइए, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें कौन कौन बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, तो वो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जो कि बीएड, डीएड या बीए बीएलएड यानी किसी भी टीचिंग डिग्री को कर रहे हैं, वो सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जिनका कंप्लीट है वो भी, और जिनका नहीं कंप्लीट है यानी जिन्होंने अभी एडमिशन लिया। इसमें अप्रीम का ऐसा सिस्टम नहीं कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि आप बीएड में जैसे ही एडमिशन लिए, चाहे आपको एडमिशन लिए 4 दिन ही हुए तब भी आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस एग्जाम को पास करने के बाद आपका ये कहाँ कहाँ काम आएगा, तो इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको एक पात्रता यानी क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस क्वालिफाइड सर्टिफिकेट की वजह से आप केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी में, नवोदय विद्यालय की वैकेंसी में, आर्मी स्कूल में यानी सेंट्रल लेवल की जो भी टीचिंग भर्ती निकलेगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप प्राइवेट स्कूल में भी, जो अच्छे लेवल के स्कूल है वहाँ पे सीटेट पास मांगा जाता है, तो इसलिए एग्जाम को जरूर पास कर लीजिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने से पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। तो सिलेबस इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 के लिए कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए होता है और पेपर 2 6 से 8 तक के बच्चों को टीचर बनने के लिए होता है। तो इसकी पेपर 1 का जो पैटर्न है वो बता देता हूँ। 30 नंबर की CDP आती है, 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की जो सेकंड भाषा का आप चुनाव करते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, आपको जो भी अच्छा लगे चुनाव कर सकते हैं 20 भाषाओं में से। इसके अलावा फिर 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का एनवायरनमेंट। इसकी तैयारी के लिए किताबों की अगर मैं बात करूँ तो आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक की NCERT को किताबों को कंप्लीट कर लीजिए, आपके लिए सफिशियंट होगा। और अगर YouTube चैनल पे बात करूं तो हिमांशी मैम का लेस्ट लर्न का चैनल है, आप वहां से CDP वाले पोर्शन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि 150 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से कम 90 नंबर की पेडागोजी आती है, यानी जिनका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मजबूत है वो इस एग्जाम को हर हाल में पास कर लेते हैं। अगर बात करते हैं कितने नंबर का पेपर होता है, तो 30 नंबर के CDP, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश यानी सेकेंड भाषा, 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का EBS। तो इस तरह 150 क्वेश्चन का रहता है और इसमें 150 मिनट का ही टाइम मिलता है, यानी 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये पेपर वाइल्ड एंगल होता है यानी दोनों भाषाओं में होता है, जिनकी जो भाषा है उस भाषा को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश और जो सेकेंड भाषा जो भी चुनाव करना चाहते हैं, पंजाबी उर्दू वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है। इसके अलावा अगर पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में 11 वर्ष से लेकर 14 वर्षों को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया जाता है और इसका जो वर्ग पेपर 2 को पास करने वाले वो 6 से 8 तक के टीचर बनते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसका जो सिलेबस की बात करें तो 30 नंबर के CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके अलावा 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की सेकेंड भाषा जो भी आप चुनाव करना चाहते हैं वो, और 60 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न। तो यानी कि जो मैथ साइंस है वो मैथ साइंस लेते हैं, जो आर्ट एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से वो SST यानी सोशल साइंस का लेते हैं। तो इसमें विशेषता जो ध्यान रखने वाली है, CDP दोनों एग्जामों में सेम है, तो जो बच्चे इस दोनों एग्जाम में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एग्जाम फीस की मैं अगर बात करूँ तो पेपर 1 की फीस है 1000 रुपये जनरल और OBC वालों के लिए, और जो ST SST और विकलांग जो दिव्यांग कैटेगरी के लिए है उनके लिए 600 फीस है। उसी तरह पेपर 2 की भी जनरल और OBC वालों के लिए 1000 फीस है और विकलांग और ST SC वालों के लिए 600 रुपये, और जो बच्चे दोनों पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी 1200 रुपये फीस है। तो यहाँ पर फीस का भी मामला क्लियर हो गया। इसके अलावा अब फाइनली बात आती है कि ये सारा मैंने सिलेबस आपको बता दिया, आप तैयारी कैसे करें।
तो तैयारी के लिए सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि जो बच्चे सिर्फ पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो कक्षा एक से लेकर पांच तक की एनसीईआरटी को कवर कर ले, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पे हिमांशी मैम के लेट्स लर्न देख सकते हैं, या मैं रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको जो भी पसंद आए वहां से रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पीवाई क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्व कर ले। और इसका जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसका ऑनलाइन एग्जाम होता, इसलिए आप ऑनलाइन पढ़ना सीख लीजिए ताकि आपको स्क्रीन पे पढ़ने में सुविधा हो, तो ठीक है। आप अगर इतना भी कर लोगे तो सीटेट एग्जाम आप पास कर जाओगे। इसके अलावा यही माहौल पेपर टू में, पेपर टू के लिए सीडीपी तो सेम ही है पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए। इसके अलावा आप जो फर्स्ट भाषा चुनते हैं हिंदी चुनते हैं या आपकी पसंद के हिसाब से जो भी चुनाव करते हैं, तो उसमें भी 30 नंबर का रहता है, तो उसमें 15 नंबर की पेडागोजी रहती है और 15 नंबर का ग्रामर वगैरह पैसेज वगैरह में से आता है, ठीक है। और जो भी सेकंड भाषा आप चुनाव करते हैं उसमें भी यही है। और 60 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्ट आता है, तो उसमें 40 नंबर सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है और 20 नंबर का पेडागोजी आता है। तो ये सारी तैयारी करने का एक बेस्ट मेथड है, इसलिए और समय बहुत कम है, आज से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। पहले सीटेट हर साल में दो बार होता था, लेकिन कोरोना काल में साल में एक बार होने लगता है, इसलिए आप इसको इस एग्जाम को जल्द से जल्द पास कर लीजिए, क्योंकि दिनों दिन सिलेबस भी थोड़ा हार्ड होता जा रहा, और आप इस एग्जाम को एक बार पास कर लोगे लाइफ टाइम वैलिडेट रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसे लगी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और मैं ये कहता हूँ, अगर आप टीचिंग बनना चाहते हैं तो टीचिंग भी करते रहिए, साथ में इस एग्जाम को जरूर पास कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।